गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि मुटकर। सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी जैसा एक मामला अलवर से भी सामने आया है, लेकिन इस बार भारत की अंजू पाकिस्तान गई है। दरअसल 33 साल की अंजू सोशल मीडिया पर दोस्त बने नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक अंजू अपने पति अरविंद कुमार के साथ 2 साल से अलवर में रह रही है। उसकी 15 साल की एक बेटी और 6 साल का एक बेटा भी है। इन दोनों को नहीं पता कि उनकी मां पाकिस्तान चली गई है। इतना ही नहीं, नसरुल्लाह ने पाकिस्तानी मीडिया से कहा है कि वो अंजू से शादी करेगा। अंजू सगाई के कुछ दिन बाद इंडिया आएगी और फिर वापस पाकिस्तान जाएगी। दोनों शादी करेंगे। जानकारी के मुताबिक पहले अंजू अपने परिवार के साथ भिवाड़ी के UIT सेक्टर 7 में रहती थी। यहीं से 2020 में पासपोर्ट बनवाया। अंजू ने पाकिस्तान जाने के लिए 21 जून को आवेदन किया था। प्रेम में पाकिस्तान पहुंची अंजू के पति अरविंद ने बताया कि उनका परिवार मूल रूप से बलिया का रहने वाला है, पत्नी ग्वालियर की रहने वाली है। दोनों की शादी 2007 में हुई थी। अरविंद ने बताया कि उसकी पत्नी गुरुवार को घर से जयपुर के लिए निकली। इस बीच अरविंद ने अंजू को काफी बार फोन भी लगाया, लेकिन फोन बंद आया। बाद में पता चला कि खैबर पख्तूनख्वा के ऊपरी दीड जिले में भारत से महिला अपने प्रेमी से मिलने आई है, जिसका नाम अंजू है। उसके पास 1 महीने तक रहने के लिए पूरे दस्तावेज और वीजा हैं। तब जाकर अंजू के पति अरविंद को पता लगा कि उसकी बीवी पाकिस्तान चली गई है अपने प्रेमी के चक्कर में। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें अंजू वाघा बॉर्डर पर रील बनाती दिखी और बोल रही है, ये है पाकिस्तान एंट्री बॉर्डर। वाघा बॉर्डर भी अंजू पहुंची, जहां पर उसकी तरफ से रील बनाई गई। ये है पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान। मैं वो कोई भी नया सिम ले रखा हूँ। मैंने बोला सिम जो नया लेके उसको दे दो मेरे को। आपने 2 साल पहले पासपोर्ट बनवाया है। हाँ, ये वो आप 15,000 की जॉब करते हो। हाँ सर, पासपोर्ट बनवाने का क्या सोचा आपने? अचानक से आपने बनवाया पासपोर्ट? उसने मैडम ने बनवाई थी। कैसे पासपोर्ट बनवाना है? क्यों आपने पूछा नहीं उसने? वो बाहर बाहर जॉब के लिए चाहिए। बाहर कहाँ पे? तैयारी थी लंबे टाइम से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तैयारी नहीं थी। वो कह रही थी मेरे को जयपुर फरीदाबाद गई थी एक बार घूमने। सुनने में आया, कि पबजी खेला है उन्होंने। पबजी खेलने के दौरान ही संपर्क में आई है। कोई मामला है? नहीं, अब आप आगे की बात यह है कि कहीं सीमा हैदर जैसा मामला अगर कहीं कन्वर्ट हो जाता है तो आप क्या तैयारी में है? क्या आपकी दिमाग इसमें काम कर रहे हैं? सर, इस वक्त आप लोग आगे दिमाग में रखा नहीं था। पहली बार आया हूँ, मेरा दिमाग लगा। आपको कब पता चला कि पाकिस्तान में? पाकिस्तान के नहीं, लाहौर की बताई है। पाकिस्तान लाहौर पाकिस्तान लाहौर बताई। तो मैंने उसको दोबारा फोन किया, उठाई तो बोली कि उसने बोली लाहौर में हूँ मैं। ठीक है, मैंने कहा पासपोर्ट लेके गई क्या? मैंने पासपोर्ट तो जा नहीं सकती। हाँ, ले गई। तो आपको ये नहीं पता कि लाहौर पाकिस्तान में है? अरे सर, मेरे को तो लाहौर ही बस सुना पाकिस्तान। बच्चे कितने साल के? एक लड़की 15 साल की है, एक लड़का। क्या नाम है इनका? जस्ट आर ओ, लड़की का नाम है एंजल। ओके। हाँ, ये तो इसका साला है। तो इसका भाई है ना उसका, अंजू का? हाँ हाँ। तो हिंदू बता रहा है? तो क्रिश्चियन? कौन सा पादरी इसने बनाया था क्रिश्चियन? पापा कन्वर्ट हुए थे, तब से मैं क्रिश्चियन। कब हुए थे कन्वर्ट? आप कभी एच ब्लॉक 704 में रहते थे क्या? हाँ सर। कब रहते थे? ये 2 साल पहले रहा। तो जो उन्होंने जानकारी दी है वो उन्होंने एच ब्लॉक 704 नंबर फ्लैट बताया है। पासपोर्ट तो क्या वो सही है? पासपोर्ट में एड्रेस वो जो बताया वो सही है क्या? तो आपने कब चेंज किया? ये 2 साल हो गए इस वक्त चेंज किए जी। तो अभी आपको जो जानकारी मिल रही है कि वो पाकिस्तान चली गई है, तो अब आपकी तरफ से क्या कदम होगा? क्या बात हो रही है? क्या आपको आश्वासन मिल रहा है? सर, अभी मेरे से बात हुई है बस यही कि मैं बाहर गई हूँ। पासपोर्ट अभी आपको जैसी जानकारी मिल पा रही है उसमें अब अगला आप क्या पैरवी करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? अगर कहीं सीमा हैदर जैसा मामला हुआ तो आप क्या करेंगे?
सर मैंने यही तो फोन किया था भाई कैसे चली गई वहाँ। पासपोर्ट कब बनवाया था? पासपोर्ट को मेरे हिसाब से एक साल से ऊपर ही हो गया सर। तो आपने तो ये एड्रेस तो दो साल पहले का बता रहे हो आप? हाँ, दो साल पहले एस ब्लॉक में रहते? हाँ, तो ये बाद में बनाया ना मैंने, जो भी हो सर ध्यान नहीं। इससे पहले कौन से देश में कोई और भी कंट्री विजिट की है क्या उन्होंने? ना, कोई कंट्री में नहीं। तो दो साल पहले पासपोर्ट कैसे क्यों बनवाया थे? वो आप क्या काम करते हो? इंडो में सर, क्वालिटी पे। कब से काम? मैं 2005 से कर रहा हूँ नौकरी सर। 2005 लगातार? हाँ सर। यहाँ से पहले कहाँ रहते थे? पहले 13 से पहले ईवाईटी में रहता था सर, रोलिंग प्लांट। मैडम ने कहाँ का जॉब की? भिवाड़ी में। भिवाड़ी में जे मार्क में की है। वहाँ पे क्या काम करा? जे मार्क ऑफिस में ही काम था। अच्छा, उससे पहले? उससे पहले कैपिटल मॉल और ये अपना क्या एक ऑफिस का गेस्ट हाउस, वहाँ भी काम किया। बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? बच्चे एक तो राव में है, एक यही सर ओमिक्स में। अरविंद जी, अब आपको जानकारी मिल गई है, जो जानकारी प्रशासन के पास है या हमारे पास है, तो अब आप क्या पैरवी करेंगे, आप क्या तैयारी आपकी है बताएं? मैं तो सर बुलाने की तैयारी हूँ। बुलाने की तैयारी? हाँ सर। अभी बात हुई है तो क्या कह रही हो? मेरे से तो बात नहीं हुई, मेरे एक साली है बोली उससे बात कर लेना, मैंने उसको फोन मिला कह रही वो 2-3 दिन में घूमने आ जाएगी जी। तो आपको पूरा भरोसा है कि आ जाएंगे? किस रास्ते से पहुंची है ये नहीं पता, किस रास्ते से गई है सर। आपको भरोसा है आ जाएंगी? आ जाएगी सर। तो आपकी आखिरी बात कब हुई थी? अभी सर टाइम बता देता हूं, पासवर्ड लगा देते ना। कोई नहीं, आराम से देख लेना। आप तो ये अंदाजा बता दो कितनी देर पहले बात हुई है? मैं बता देता हूं सर। तो क्या आश्वासन आपको दिया उन्होंने? मैं इस पे नहीं बता। 3-4 दिन पहले जब गई, जब से आपकी व्हाट्सएप पे बात हो रही है क्या? मम्मी ने, मुझे नहीं पता करेक्ट लोकेशन क्या है मम्मी की। आपकी मम्मी लास्ट आपसे कब मिली थी? लास्ट टाइम यहाँ से जाने से पहले मिली। कब, कितना समय हो गया? कितने दिन हो गए होंगे? कुछ 4-5 दिन। अभी आप यहाँ किसके पास रह रही हो? पापा के पास। पापा के पास? पापा क्या काम करते हैं आपके? मेरे पापा इंडो कंपनी। और आपकी मम्मी? मम्मी सेंटिमेंटल होंडा में काम करती थी। क्या क्या पढ़ी लिखी है आपकी मम्मी की? एजुकेशन क्या है? मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें।